आज हम लोग अगला मुगल बादशाह शाहजहां पढ़ेंगे। लास्ट वाली क्लास में हमने जहांगीर पढ़ा था और जहांगीर की तरह ही ये जो अगला मुगल बादशाह है ये भी बहुत महत्वपूर्ण और महान मुगल बादशाह था। इससे भी बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं, तो आपको पूरे वीडियो में कंसंट्रेशन बनाए रखना है। ओके, तो देखते हैं लोग क्या क्या प्रश्न बनते हैं शाहजहां से। तो हम सारे लोग जानते हैं कि 1627 में जहांगीर मर जाता है, लेकिन जो रूलिंग स्टार्ट होती है शाहजहां की वो 1628 से स्टार्ट होती है, एक साल बाद। पॉइंट सुखी नोटे 27 से 28, मतलब 1627 से 28 के बीच में एक साल का गैप है। कई सारी बुक्स में आप पढ़ेंगे ना, कई सारे टीचर से पूछेंगे तो आपको गैप का रीजन नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको गैप का रीजन बताऊंगा। मेरा नाम जितेंद्र तिवारी, मेरा लोगो है सरलता जिनकी पहचान। तो कैसे मैं सरल हूं, कितना सरल एसएसटी जीके पढ़ाता हूं वो आपको पता चल जाएगा। तो याद रखना है 27 से 28 के बीच में एक साल का गैप है, और उस गैप में जहांगीर का एक लड़का था, उसका पुत्र था, उसका नाम था शहरयार, इसने रूल किया था एक साल। तो याद रखना है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कहानी, तो ज्यादा कहानी हम नहीं बताएंगे अब, उसके आगे हम लोग कैरी ऑन करते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही जहांगीर 1627 में मरा, जहांगीर की जो बेगम थी, वाइफ थी नूरजहां, उसने क्या किया, उसने अपने दामाद, अपने सन इन लॉ शहरयार को गद्दी पर बिठा दिया, एंड ही स्टार्टेड रूलिंग, और वो रूल करने लगा। लेकिन ये बात ना हजम नहीं हुई किसको, मानसिंह को। जानते मानसिंह कौन है, मानसिंह ने जो पूरी कहानी रची। मानसिंह मामा था खुसरो का, खुसरो के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में जहांगीर में डिटेल में बता रखा। ओके, तो क्या हुआ कि खुसरो को 1606 में विद्रोह करने के कारण जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में कैद तो कर दिया, दोनों आंखें फोड़ दी, निकाल दी और अंधा करके कारागार में डाल दिया। लेकिन 1622 में 1622 में आगे चल के नूरजहां ने खुसरो को पॉइजन दे दिया, जहर दे दिया। अंधा था ही बेचारा, दोनों आंखों का, कारागार में डला था, पड़ा था। एक दिन नूरजहां गई और बोली, बेटा टोमेटो सूप पी लो। अब अंधा आदमी समझ पाएगा टोमेटो है कि जहर है, और पी गया, कहानी खत्म। धोखे से नूरजहां ने क्या किया, खुसरो को मरवा दिया। टोमेटो सूप नहीं पिलवाया था, भावनाएं समझिएगा, जहर था वो। और इसका बदला मानसिंह लेना चाहता था नूरजहां से, क्योंकि उसके भांजे की हत्या, भांजा तो जानो आप ना, तो भांजे की हत्या किसने करवाई थी, नूरजहां ने। ओके, नूरजहां ने क्यों करवाई, नूरजहां को डर था कि मेरा हस्बैंड जहांगीर बहुत बड़ा ड्रिंकर, बहुत ज्यादा एल्कोहल शराब लेता है, पता नहीं आज मरेगी कल मरे, उसको कंडीशन पता चलने लगी थी ना 1622 में करीब। तो इसीलिए उसने क्या किया, खुसरो को मरवा दिया। उसको लगा कि कहीं खुसरो को राजा ना बना दे मानसिंह, बड़ा राजपूत था ही, सेना नायक कमांडर मुगलों की सेना में मानसिंह, उसका बड़ा पद था, एक बड़ा रसूख था, जिसके कारण ही नूरजहां ने खुसरो को मरवा दिया। क्या डर था कि कहीं खुसरो गद्दी पर ना बैठ जाए और बैकडोर से और शासन करने लगे उसका मामा मानसिंह। ओके, इसीलिए मार दिया। अब क्या हुआ, अपने दामाद को गद्दी पर बिठा दिया, खुसरो की कहानी खत्म हो गई। एक और लड़का था जहांगीर का, तो जहांगीर के अगले लड़के का नाम है खुर्रम। करीब 2000 शादियां करी थी जहांगीर ने अपने जीवन काल में, सोच लो आप। तो एक बच्चे पर एक एक दो 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 भी बच्चा जोड़ो आप तो कितने हो गए, 4000 से ज्यादा बच्चे मार्केट में थे किसके, जहांगीर के। तो याद रखना जहांगीर का एक और लड़का है खुर्रम, तो सारे लड़के याद ना करना, पागल हो जाऊंगा मैं भी हो आप। तो जो जो मेन मेन लड़के रहे उन्हीं से एग्जाम में पूछता है, चाहे वो खुसरो हो, शहरयार हो या खुर्रम। अब अगला लड़का और था खुर्रम, वही आगे चल के ना शाहजहां बनेगा। खुर्रम सबसे ताकतवर लड़का था जहांगीर के लड़कों में, खुर्रम को गद्दी नहीं मिली।
तो कहीं ना कहीं मन में तो टीस थी ना यार, मन में तो एक वो होता है ना कि राजा बनने का अलग वो होता है। मोदी जी हमारे देश के वजीर आजम है, लेकिन और भी जो और लीडर्स हैं, राजनाथ सिंह हो, लाल कृष्ण अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, जो मर गए हैं है ना, उनका भी नाम ले रहा हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो ऐसे कई बीजेपी के नेता है ना भाई, जो वजीर आजम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने के दावेदार थे और सपने देखते थे, अभी भी कई लोग सपने देखते हैं और सपने देखने भी चाहिए। तो ऐसे ही याद रखना है पॉइंट आपको, खुर्रम भी सपना देख रहा था लेकिन उसको सपना सच हुआ नहीं था, सपोर्ट मिला नहीं नूरजहां का। अब इस कंडीशन में जब शहरयार को गद्दी मिली, एक साल उसने लगभग रूल भी किया, अब खुर्रम को सपोर्ट मिलता है बैकडोर से मान सिंह का। मान सिंह ने कहा बेटा जिस तरीके से मेरे भांजे को मरवा दिया नूरजहां ने ना, वैसे तुम्हें भी मरवा देगी, और तुम सबसे ताकतवर लड़के हो जहांगीर के, तो तुम क्यों नहीं दावा करते, तुम क्यों नहीं क्लेम करते हो बादशाह बनने के लिए। तो बोला मेरे साथ तो ना राजपूतों का सपोर्ट है ना मुगलों का। तो मान सिंह ने कहा कि आज तुम्हें राजपूत जवान देता है और आज से राजपूत तुम्हारे सपोर्ट में रहेंगे, और जानते हैं राजपूत बहुत डेडिकेट होते हैं, एक बार कमिटमेंट कर लिए तो कर लेते हैं, कोई कास्टिंग जातिवाद नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो लोग राजपूत होंगे वो जानते होंगे, उनका ब्लड थोड़ा ज्यादा पंपिंग करता रहता है ना, दीवार खंभे से लड़ जाते हैं लोग, आदमी तो बात छोड़ो। तो समझना है आपको, क्या समझना है कि खुर्रम को सपोर्ट किसका मिल गया, राजपूतों का, और अब चाहिए था मुगलों का सपोर्ट। तो ये जो लड़की है ना, इसका नाम है अर्जुमन बानो बेगम। अर्जुमन बानो बेगम किसकी लड़की है, आसफ खां की। किसकी लड़की है, आसफ खां। आसफ खां नूरजहां का क्या था, भाई और राइट हैंड था। आसफ खां की लड़की है अर्जुमन बानो बेगम, और अब खुर्रम ने आसफ खां का भी ब्रेन वॉश कर दिया, बोला अब समय आ गया है तुम अपने दामाद का सपोर्ट करो ना कि अपनी बहन के दामाद का, और वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, मतलब खुर्रम को मार देगी नूरजहां। अपने दामाद का तो सबको प्रेम होता है, इसीलिए तो नूरजहां ने अपने दामाद को गद्दी दी, भाई के दामाद को कहां गद्दी दी। जो लोग दामाद होंगे वो जानते होंगे, दामाद जब अपने जाता है ससुराल उसका क्या खातिरदारी होती है, वो बात अलग है कि समय के साथ प्रभाव कम होता चला जाता है, एक दिन जीजा से फूफा बन जाता है, फूफे बनना दिक्कत हो जाता है आदमी के लिए। तो क्या हुआ, आसफ खां का भी सपोर्ट मिल गया, किसको, खुर्रम को, राइट हैंड था ही। और फिर खुर्रम तो ऑलरेडी ताकतवर था, आता मांझी सटक लिए, बस मूड घूम गया, और वन्ने एक देश ब्रदर शहरयार एंड बिकेम एम्परर इन मुगल एम्पायर। और एक दिन मान सिंह और आसफ खां के सपोर्ट से खुर्रम ने अपने भाई शहरयार की हत्या कर गद्दी प्राप्त कर ली, और वो क्या बन गया, बादशाह। कब बना, 1628 में। 1628 में राजा बना, 1858 तक रूल किया, लेकिन मैंने एक और ईयर लिखा है 1666, यहीं तक रूल किया। फिर आगे चल के औरंगजेब का अपना ही लड़का था शाहजहां का अपना ही लड़का था औरंगजेब, जिसने इसको जेल में डाल दिया शाहजहां को। शाहजहां का अंतिम जीवन ना, मतलब अंतिम स्टेज जीवन का बड़ा ही बुरा गुजरा था, ईश्वर ना करे दुश्मन को भी ऐसे स्टेज का सामना करना पड़े जीवन में। इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा ताजमहल, देश दुनिया से लोग देखने आते हैं जिनकी हिम्मत हो पाती है। डोनाल्ड ट्रंप मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स भी जब इंडिया आता है तो बिना ताजमहल का दीदार किए नहीं जाता है। आप समझ सकते हैं, जो लोग दिल्ली या आगरा के अगल बगल होते हैं तो 400 किलोमीटर तक भी लोग जल्दी, शादी विवाह होता है या अफेयर स्टेज में भी चलता रहता है तो जनरली वो प्रयास करते हैं बार ताजमहल का दीदार जरूर कराएं, है ना। तो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है ताजमहल की, और उस शख्स को अपने जीवन के अंतिम स्टेज में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, ईश्वर भी ना करे
ऐसा उसने सामना किया दुखों का, अभी आगे बताऊंगा। तो इतना समझ में आ गया, इस तरीके से शाहजहां क्या बन गया, बादशाह बन गया, याद रखना। नूरजहां की कहानी खत्म हो जाती है। जब ये राजा बना तो नूरजहां को डर था कि बीच ने खुसरो की आंखें निकाली थी, तो डर था कहीं इसका भाता मान सिंह नूरजहां की आंखें ना निकाल ले। तो इसीलिए नूरजहां ने क्या किया, भागना ही मुनासिब समझा। और वो कहां चली जाती है, लाहौर। नूरजहां फिर कहां चली गई, 1645 में लाहौर, और वही लाहौर चली जाती 1628 में, जहां 1645 में मर जाती नूरजहां। नूरजहां की मदर थी असमत बेगम। कौन थी, असमत बेगम, ये पूछा गया प्रश्न है। असमत बेगम वास मदर ऑफ नूरजहां हु डिस्कवर्ड परफ्यूम, जिसने इत्र परफ्यूम की खोज करी थी। परफ्यूम सेंट सुना होगा आपने, कभी लगाया भी होगा, कई लोग तो लेके भी चलती हैं लड़कियां वगैरह, तो पर्स वगैरह में ना, तो इतना बड़ा गुटका देखा होगा आपने कांच का, उसमें परफ्यूम रहता है, पहले जमाने में ज्यादा होता था। लोग दूल्हे वगैरह जब जाते थे ना, बारात रात धूल लगा के जाते थे, और भी वीवीआईपी लोग। हुआ क्लियर। तो असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की खोज करी थी, ये पूछा गया प्रश्न है। किसकी मदर है, नूरजहां। तो अब हम पूरा कंसंट्रेट करेंगे शाहजहां के बारे में। आगे चल के जब शाहजहां बादशाह बनता है, तो वो ईयर क्या था, 1628। शाहजहां की शादी बहुत फेमस पॉइंट है, इसीलिए आप हमारे वीडियो में जब देखेंगे थंबनेल में, तो मैंने एक अकेले शाहजहां की फोटो नहीं बनवाई है, बल्कि अपने टेक्नीशियन से कह के मुमताज महल की भी फोटो बनवाई है। ये सुना होगा आपने, राधा कृष्ण सीताराम कुछ नाम ना, बिना अपनी बीबी के धर्म पत्नी के अधूरे, वैसे ही भाई साहब ना शाहजहां का नाम मुमताज महल के बिना अधूरा है। अगर शाहजहां को आप मुमताज से नहीं जोड़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बड़ी नासमझी होगी इतिहास समझने के ऊपर, और इतिहास की समझ यहीं से विकसित होगी, या पता चल पाएगा इतिहास कोई जानता है नहीं जानता। तो याद रखना, अर्जुमन बानो बेगम से खुर्रम या शाहजहां की शादी 1612 में हुई, 1612 में हुई, 1611 में शहरयार और नूरजहां की लड़की लाडली बेगम की शादी हुई थी ना, और नेक्स्ट ईयर नूरजहां ने क्या किया था, अपनी भतीजी की शादी जहांगीर की दूसरी लड़की खुर्रम या शाहजहां से करवा दी थी। कब, 1612, याद रखना है। तो कब शादी हुई इनकी, 1612 में शादी हुई, 1612 में, मुमताज महल से शाहजहां की। शाहजहां मुमताज को बहुत प्यार करता था, और इसीलिए शाहजहां ने अर्जुमन बानो बेगम को मुमताज की उपाधि दी थी। तो अर्जुमन बानो बेगम ही क्या है, मुमताज है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अर्जुमन बानो बेगम ही कौन है, मुमताज महल है, या मुमताज महल, हाँ, तो मुमताज ए महल या मुमताज महल वाज नेम ऑफ अर्जुमन बानो बेगम, या मुमताज महल थे अर्जुमन बानो बेगम वाज आल्सो नोन एज मुमताज महल। अर्जुमन बानो बेगम को मुमताज महल के भी नाम से जानते हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो अब शाहजहां ने लगभग एक दर्जन शादी करी थी, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता था, अपनी बड़ी बेगम मुमताज महल से करता था। और मुमताज महल की शादी ना 1612 में हुई थी, और मुमताज महल की मृत्यु कब हुई, व्हेन ही डाइड, तो शी डाइड इन 1631। 1612 में निकाह हुआ और 1631 में मर गई, याद रखना। और फिर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करना शुरू करवाया। पूछा गया प्रश्न है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल वाज स्टार्टेड बिफोर द 1631 और नॉट, तो यस, इट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल वाज स्टार्टेड आफ्टर 1631, आफ्टर द डेथ ऑफ मुमताज महल, उसके पहले नहीं हुआ, मरने के बाद। मरने के बाद ना एहसास हुआ शाहजहां को मुमताज की कमी का, उसने सोचा कि कुछ ऐसा बनाएंगे जो इतिहास में जाके
अमर हो जाए, ये इतना बड़ा लैंडमार्क बन जाए कि जल्दी उसको कोई तोड़ ही ना पाए। और रियल में बहुत लोगों ने मोहब्बत करी, लेकिन आज तक मोहब्बत की वो मिसाल कोई नहीं पेश कर पाया जैसी मिसाल अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी प्रेमी के लिए किसने पेश करी? शाहजहां। प्रेमी इसलिए कह रहा हूं कि फीमेल के साइड से भी अपने मेल के लिए, मतलब पुरुष के लिए, ऐसा कोई हुआ नहीं या ऐसा कोई एग्जाम्पल आप देखे नहीं होंगे। ओके, तो याद रखना मुमताज महल से शाहजहां की शादी 1612 में हुई थी। यही मुमताज महल आगे चल के 1631 में मर जाती है। शाहजहां मुमताज को बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था, भावनाएं समझिएगा, इतना शाहजहां प्यार करता था मुमताज को कि इस बीच में बैक टू बैक मुमताज से 14 बच्चे हुए। कितने बच्चे? 14 चाइल्ड। अभी और भी प्यार करता रहता, ये संख्या प्लस हो सकती थी, नहीं हुआ क्लियर? तो याद रखना 1612 से लेकर 31 के बीच में बैक टू बैक कितने बच्चे हुए थे मुमताज को? 14 बच्चे। अभी और भी प्यार करता रहता, संख्या बढ़ सकती थी, लेकिन क्या हुआ? गलत। और एक दिन 14वें बच्चे के जन्म के दौरान मुमताज महल 1631 में मर गई। तो सी डाइड इन 1631 ड्यूरिंग दी बर्थ ऑफ 14th चाइल्ड। और वो 14वीं बच्ची थी गौहर आरा। 14 बच्चे में 11 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा, ये 3 लड़कियां। तो उसकी डिलीवरी के दौरान मुमताज उमर जरूर गई, लेकिन गौहर आरा को बचा लिया गया। जैसे देखा होगा 100,000, 10,000 में एक केस आपने, कि जैसे पुराने जमाने में ज्यादा होता था पहले में, कि मतलब मर गई मदर, लेकिन उसकी मौसी ने, मामी ने, बुआ ने या चाची ने बच्चे को पाल लिया, है ना? तो ऐसे ही क्या हुआ, गौहर आरा जिंदा रहे, बच्चे जिंदा रहे, लेकिन कौन मर गया? मुमताज मर जाती। एक प्रश्न पूछा गया है, जहां आरा, तो 3 लड़कियां हैं, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा। तो जहां आरा सबसे बड़ी लड़की थी शाहजहां की, सबसे बड़ी लड़की थी शाहजहां की, याद रखना। अभी मूवी भी आ रही है, बीच में कोरोना वाला मैटर आ गया, नहीं तो अभी तक शूटिंग होने लगती जहां आरा, एक मूवी बन रही है, विवादित मूवी है ना? तो अब जो मूवी आएगी तभी आप विवाद के बारे में समझ पाएंगे, बहुत कंट्रोवर्शियल ये पॉइंट है जहां आरा वाला, है ना? तो याद रहेगा 1631 में 14वें बच्चे के जन्म के दौरान मुमताज महल मर जाती है। एंड देन शाहजहां स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। हाउ मेनी इयर्स, कितने साल लगे ताजमहल बनने में, ये पूछा गया पॉइंट है, बता पाएंगे आप? 18, 20, 22, 24 अगर मैं ऑप्शन दूं तो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं हम लोग। ताजमहल बनाने वाले 2 मुख्य कारीगर थे, 2 मेन आर्टिस्ट ऑफ ताजमहल वर उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद ईसा, उस्ताद अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी लाहौर के थे, और उस्ताद ईसा खान, याद रखना। ज्यादा आज तक ना प्रश्न इसी से पूछा गया, ये ऑप्शन में जनरली ईसा खान मिसिंग रहता है और उस्ताद अहमद लाहौरी ही होता है, लेकिन मैंने दोनों करवा दिया। अगर ऑप्शन में आ जाए कि ताजमहल बनाने वाले मुख्य कारीगर का नाम था, ए अहमद लाहौरी, बी ईसा खान, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज, तो क्या होगा? सी बोथ ए एंड बी, उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खान। वो बात अलग थी कि ताजमहल बनने के बाद जब शाहजहां ताजमहल का निरीक्षण करने गया, सर्वे करने गया, कि बरसों मैंने एक बिल्डिंग बनवाई, एक सपना बनवाया, और वो सपना, वो बिल्डिंग मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रही अकॉर्डिंग की नहीं, और जब गया देखने तो ताजमहल देखकर बड़ा खुश हुआ और सोचा कि आज जहां भी होगी जन्नत में, जहन्नुम में, जहां भी होगी
मुमताज महल, आज ये ताजमहल देखकर, ये प्रतीक प्यार का प्रतीक सिंबल देखकर, मेरा गिफ्ट देखकर, मेरा डेडिकेशन देखकर बड़ी खुश हुई होगी। और आज उसको मेरे ऊपर, अपने प्रेमी, अपने हस्बैंड शाहजहां के ऊपर नाज हो रहा हो। लेकिन क्या हुआ, सामत मुसीबत आई इन दोनों के ऊपर। ताज महल देखने के बाद जैसे बाहर आया शाहजहां, तभी उस समय अनाउंस कर देता है कि हम ताजमहल बनाने वाले सारे कारीगरों को इनाम देंगे। बहुत ही बड़ा उन्होंने गिफ्ट तैयार किया है, मेरी आशा से कहीं ज्यादा बढ़कर। तो याद रखना, पॉइंट्स ऑफ बी नोटेड, केवल दो लोग नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग थे, मोर देन 100 आर्टिस्ट जिनके हाथ काट लिए गए। और फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, एक शिविर लगाया गया, बड़ी सभा लगाई गई और सारे कारीगर गए अपनी फैमिली बच्चे के साथ कि ताजमहल के लिए अनाउंसमेंट कर रखा है शाहजहां और आज तो हमें बहुत इनाम मिलेगा। लोग बैग लेकर, अटैची लेकर, झोला लेकर, थैला लेकर पहुंच गए कि लेकर आएंगे ना। और मौके पर गए देखे तो वहां सैकड़ों खंभे लगे हुए थे और जल्लाद हर जगह थे। जैसे नहीं भी देखा होगा निर्भय रेलकांड में पवन जल्लाद, और इसे ही कई जल्लाद थे। और फिर शाहजहां ने आदेश दिया जल्लादों को कि अपने सैनिकों को कि सारे कारीगरों के हाथ का बांध लिए जाए और काट लिए जाए। जैसे ही हाथ काटने का सेंटेंस या शब्द सुना, कारीगरों की बीवियों ने, कारीगर की बीवियां रोने लगी, आर्टिस्ट की बीवियां औरतें रोने लगी कि साहब ये तो अन्याय है, हमारा हस्बैंड ही मर जाएगा, हम सब तो भूखे मर जाएंगे, कहां जाएगा चुनाई करने बेचारा, कौन पूछेगा फिर इसको, हम सब बेसहारा हो जाएंगे। शाहजहां ने कहा आप लोग डरिए मत, आपकी समस्या का निदान है, सॉल्यूशन है। आज से आपका पूरा खर्च कौन उठाएगा, शाहजहां उठाएगा, और आप निश्चिंत रहिए, आप बस अपना खर्चा बताइए, खर्चे से डबल मैं पैसा दिया करूंगा आप लोगों को, मुगल खजाने से पैसा आपको मिलेगा। बस बीवी कहीं कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, काट लो हाथ। और फिर क्या हुआ, बीवियों के कहने पर, अब ऑप्शन भी नहीं था या समझे लालच मिल गया ज्यादा, बीवियों के फिर बाद में कहने पर शाहजहां कैसे काटते थे, बीवियां कहती है नहीं कहती, बाद में शाहजहां ने सारे कारीगरों के हाथ कटवाई। याद रखना ये पूछा गया प्रश्न है। आगे चल के आपने सुना होगा कभी दूसरा ताजमहल भारत का कहां है, यू नो सेकेंड ताजमहल ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन व्हिच सिटी, तो ये महाराष्ट्र में है, सुना होगा आपने, नहीं सुना, औरंगाबाद एक जगह है, वहां ना दूसरा ताजमहल है जिसको बीबी का मकबरा बोलते हैं, तोंबा बीबी, बीबी मतलब वाई कोई, बीबी का मकबरा, इसको दूसरा ताजमहल बोलते हैं, टोम्ब ऑफ बीबी, टोम्ब ऑफ बीबी, इट इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये भी टूरिस्ट प्लेस है, जो लोग इधर ताजमहल नहीं आके देख पाते वो लोग वही ताजमहल देखकर अपना सेटिस्फेक्शन पूरा कर लेते हैं, याद रखना। तो इस बीबी के मकबरे को बनवाने वालों के कारीगरों के हाथ भी काट लिए गए, क्यों, क्योंकि ये ना आशा के एकदम विपरीत प्रतिकूल निगेटिव बना दिया कारीगरों ने, इसलिए भी औरंगजेब ने कारीगरों के हाथ काट लिए। इस दूसरे ताजमहल को नॉनसेंस कॉपी ऑफ ताजमहल बोलते हैं, ताजमहल की बेहूदा नकल है ना, गुस्से में इसने खुशी में काट लिए हाथ, कटवा दिया शाहजहां, इसलिए दुखी होकर कि तुमने पूरा बदनाम कर दिया हमारे प्यार को, यार इतना उल्टा बना दिया, नहीं बना पाते तो बता देते, बदनामी करवाती, इस चक्कर में साथ औरंगजेब काट देता है, ठीक है। उसकी बीवी थी रबिया उद दुरानी, उसकी याद में उसने बनवाया था औरंगाबाद में। कभी मोबाइल वगैरह में आप सर्च करिएगा टोम्बा बीबी, तो आपको दिख जाएगा, दोनों में कंपेरिजन करेंगे ना, आगरे के ताजमहल में और औरंगाबाद के ताजमहल में, तो जमीन आसमान का अंतर है, ओके। कुछ लोग अलग अलग बोलते हैं कि शाहजहां ने इसलिए ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट लिए क्योंकि बिना बारिश के पानी टपकता था, तो पानी टपकता कि भैया नहीं टपकता, ये तो वहां पे जो CIA सब लगी है वो जाने। लेकिन कई ऐसे इतिहासकार रहे जिन्होंने कहा है
कि आगरा में पांच बड़े मंदिर थे, शिव मंदिर, जिसमें एक मंदिर है तेजोमय मंदिर। वो तेजोमय मंदिर शिव मंदिर है जो गायब है, और उसी तेजोमय मंदिर को तुड़वाकर शाहजहां ने उसके फाउंडेशन पर बनवाया ताजमहल, है ना। कई सारे मतलब उसमें कमरे हैं बेसमेंट में, कभी गए होंगे ताजमहल देखा होगा, कुछ में कमरे में लॉक लगा है, वहां से ऐसे वाले जाने नहीं देते हैं, मकबरे से ऊपर कर देते हैं तुरंत, तो रहस्य है। अब तो भाई जब कमरा तोड़ा जाए, निकाला जाए, खोदा जाए, तभी पता चल पाएगा इसकी रियलिटी है या नहीं। वैसे सरकार जानबूझकर सर्वे भी नहीं करना चाहती, ये इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना चाहती, कितना पैसा जो आता है देश दुनिया से वो आएगा नहीं आएगा ना। और जो सात आश्चर्य हैं, सेवन एडवेंचर्स, उनमें ताजमहल नंबर एक पर आता है लगातार, तो फिर नंबर एक पर आएगा कोई मंदिर? नहीं आएगा ना। इसीलिए ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन आज तक किसी गवर्नमेंट ने हमारी नहीं किया है। तो याद रखना, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा खां बनाने वाले मुख्य कारीगर थे। सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है ताजमहल में, जिसकी खासियत होती है क्वालिटी, इनका कलर चेंज नहीं होता, लेकिन बीच में ना कलर पीला पड़ रहा है, येलो। तो पीला पड़ने का कारण क्या है? एसिड रेन, अम्ल वर्षा। स्पेशली अम्ल वर्षा में आप जानते होंगे जिम्मेदार, आगरा में बड़े पैमाने पर चमड़ा उद्योग था, लेदर इंडस्ट्री थी, बड़े पैमाने पर चमड़ा से बने प्रोडक्ट वहां पर बनते थे, जिसको सरकार ने बैन कर रखा है। लेकिन जो मथुरा में रिफाइनरी है, तेल शोधन कारखाना है, वो भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए, उसको सरकार अभी नहीं बंद कर पा रही है, जो सरकार के बस में ही लगभग बंद कर रही है। शाहजहां ने ताजमहल के अलावा भी कुछ बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला। अगर आपसे पूछ ले आगरे का लाल किला बताइए, तो आगरे का लाल किला अकबर बनवाता है ना, देखा होगा, जिसका दूसरा नाम है आगरे का लाल किला, या उसको लोग पुराना किला भी बोलते हैं। आगरा में आपने देखा होगा, जस्ट ताजमहल के सामने ही है, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर, आगरा किला के नाम से भी जाना जाता है आगरे के लाल किले को। तो जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली के लाल किले में ही मयूर सिंहासन, या इसका दूसरा नाम है तख्ते ताउस। क्या बनवाया? तख्ते ताउस, पिकॉक थ्रोन, पिकॉक थ्रोन। इसी पिकॉक थ्रोन में ना कोहिनूर डायमंड लगा था। क्या लगा था? कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा लगा था, कोहिनूर डायमंड, याद रखना, कोहिनूर डायमंड लगा था। और जब नादिर शाह, एक मुस्लिम अटैकर, मुस्लिम आक्रमणकारी, इसने 1739 में, 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में, करनाल हरियाणा में है, एक जिला है, करनाल की लड़ाई में जब इसने मोहम्मद शाह या रंगीला नाम के मुगल बादशाह को पराजित किया, तब पूरा मयूर सिंहासन उखाड़ लिया गया नादिर शाह, याद रखना। तो ईरान का था नादिर शाह, तो ही कैरी पिकॉक थ्रोन फ्रॉम इंडिया टू ईरान। ये पूरा मयूर सिंहासन, कोहिनूर सहित इंक्लूडिंग कोहिनूर डायमंड उखाड़ ले जाता है, कहां? नादिर शाह अपने देश ईरान। और बाद में सिखों ने सेना बनाई राजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में, नादिर शाह के लड़के शाह शुजा को पराजित कर हीरा पंजाब आ जाता है। और 1848-49 में, 1848-49 में जब सेकेंड एंग्लो सिख बैटल हुआ, तो अंग्रेजों ने सिखों को पराजित कर कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लिया, और आज वो कोहिनूर हीरा कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो याद रखना है, भूलना नहीं आपको, नहीं तो भूल जाने आप। मयूर सिंहासन भी शाहजहां ने बनवाया, इसी पे शाहजहां बैठा करता था। दीवाने आम बनवाया, ये मयूर सिंहासन दिल्ली के लाल किले में ही है, ध्यान देना, दीवाने आम दिल्ली के लाल किले में ही है, दीवाने खास दिल्ली के लाल किले में ही है। दीवाने आम एक बार पूछा गया प्रश्न है बीएसएसबी और सीटेट दोनों एग्जाम्स में। दीवाने आम आम लोगों के लिए था, जहां जनता दरबार लगाता था, लोगों की प्रार्थनाएं फरियाद सुना करता था शाहजहां। दीवाने खास
जहां पर गेस्ट लोग ठहरते थे, मेहमान आते थे, तो वो रुकते कहां थे, तो लाल किले में ही एक स्पेस था दीवाने खास नाम का, गेस्ट हाउस टाइप का, फार्म हाउस टाइप का, जहां पर रुकता था कौन, इनके गेस्ट मेहमान रुका करते थे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। शाहजहां ने इतनी सारी बिल्डिंग्स बनाई ताजमहल के अलावा, जिसके कारण शाहजहां के समय को मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो हिज टाइम पीरियड इज नोन एज अ गोल्डन टाइम ऑफ मुगल आर्किटेक्ट या गोल्डन टाइम ऑफ आर्किटेक्चर। स्थापत्य कला सुना होगा, भवन निर्माण कला, मंदिर निर्माण कला, ये क्या है, स्थापत्य के अंतर्गत आता है। तो याद रखना, स्थापत्य का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा शाहजहां। जैसे नहीं अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा जहांगीर में कि चित्रकारी का स्वर्णकाल गोल्डन टाइम ऑफ पेंटिंग जहांगीर के समय को, और गोल्डन टाइम ऑफ आर्किटेक्ट, तो आंसर क्या होगा शाहजहां। 1657 में 1657 में शाहजहां बीमार पड़ जाता है, उसका उसकी बीमारी का फायदा उठाया इसके एक लड़के औरंगजेब ने, और 1658 में औरंगजेब ने अपने बीमार पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया, और वहीं पर 1666 में 8 साल बाद 1666 में शाहजहां मर जाता है। शाहजहां के जनाजे में उसकी मैयत में, जब उसको दफनाने की का प्रोसेस आया प्रक्रिया, तो उस जनाजे में उसकी मैयत में औरंगजेब शामिल नहीं हुआ, और आगरा के भिखारियों ने, किन्नरों ने शाहजहां की मैयत को कंधा दिया, जनाजे को कंधा दिया, और शाहजहां की इच्छा अनुसार शाहजहां को आगरे के ताजमहल में मुमताज महल की बगल वाली कब्र में दफनाया गया। याद रखना, अगर पूछ ले टॉम ऑफ शाहजहां इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी, आगरा, आगरा में शाहजहां का मकबरा है, और किसमें है, ताजमहल में ही। मुमताज महल की कब्र, उसकी बाजू वाली कब्र किसकी है, शाहजहां की। तो याद रखना, ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि दो दो मकबरा है, मुमताज महल और शाहजहां दोनों का मकबरा कहां है, ताजमहल में ही है। बहुत लोग ना आसान क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और दोस्त हम फाइट से वही बाहर होते हैं एग्जाम्स में जहां आसान क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। कठिन क्वेश्चन तो लगभग यार सबके लिए कठिन होता है, लेकिन आसान क्वेश्चन जिसने गलत किया वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो आसान क्वेश्चंस तो आपको गलत करने नहीं है, तो याद रहेगा ना ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए, तो इसको समराइज करने की भी आवश्यकता नहीं है, एक बार फिर से वीडियो देख लेगा, है ना, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और नहीं कुछ समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको आंसर बताएंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट है ना कि सर मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाइए, तो अगली वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाएंगे, जो दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, क्लास समझ में आई होगी। अगर आई होगी समझ में तो यार वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है जरूर से जरूर, ओके, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।